अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे टेलरिंग क्लास 4। उसमें हम सीखेंगे सादा झबला। फ्रेंड्स, ये झबला आप 0 से लेकर 3 महीने के बच्चों को बिना सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिल सके। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। फ्रेंड्स, ये हमने 2 पीसेस लिए हैं, उसकी लेंथ हमने 12 इंच लिए हैं, 12 इंच, और चौड़ाई में हमने से 10 इंच रखा है। अब इसे मैं डबल फोल्ड, 2 है फ्रेंड्स, अब इसे हमें 4 फोल्ड कर लेना, यानी 4 फोल्ड कर लेना। और ये फैब्रिक हमारा कॉटन का है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने 4 फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद जो फोल्डेड साइड है आपको अपने तरफ रखना है, और ओपन साइड आपको ऊपर की तरफ रखना है। तो इसकी लेंथ हमने 12 इंच ली है फ्रेंड्स। अभी यहाँ से आपको 2 इंच पे मार्क कर लेना है। ये फ्रेंड्स शोल्डर है। अभी यहाँ से हम आर्म होल के लिए मार्क करेंगे, तो उसके लिए हमने 3.5 इंच पर मार्क किया। अब ये दोनों लाइन को हमें जॉइंट कर लेना है, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट के लिए मार्क करेंगे। बेबी का हमने चेस्ट लिया है 5 इंच, आपको 4 से डिवाइड कर लेना है। तो हमने 4 से डिवाइड किया, उसमें 1/2 इंच मार्जिन लिया फ्रेंड्स, तो ये 5 इंच हो गया टोटल। अब यहाँ से हमें 1 इंच पे मार्क कर लेना है, और ये इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला लेने से क्रॉस में टेप रख के आपको इस सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है ऐसे क्रॉस में। अभी इसको ऐसे लाइन ड्रॉ करने के बाद फ्रेंड्स अभी आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे, तो हमें ऐसे कर्व में शेप दे देना है। अभी इसकी कटिंग कर लेना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हमने कटिंग कर ली है, अब इसे हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद फ्रेंड्स ये ऐसे दिखेगा। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ये दिखेगा दोनों पीसेस, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। अभी हमें क्रॉस पट्टी लेना है, 2 पट्टी हम ऐसे लेंगे, क्रॉस है ये फ्रेंड्स, और ये 1.5 इंच की है। ऐसे हमें 2 पट्टी लेना है। अभी हमें इसे गले पे लगाना है, ऐसे मैं डबल फोल्ड कर लूँगी, और यहाँ से हमें इसे सिल लेना है। ऐसे दूसरे पे भी हमें फोल्ड कर लेना है पट्टी को, यहाँ पे ऐसे रख के यहाँ से हमें सिलाई मार लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने सिलाई मार ली है। फ्रेंड्स, ये जो हमने कपड़ा लिया है ये रॉन्ग साइड है, इधर से यहाँ पे लगाना है हमें पट्टी, यह हमारी राइट साइड है। जो पट्टी हमने लगाई है क्रॉस, उसको आपको रॉन्ग साइड से लगाना है, और राइट साइड पे आपको टर्न कर लेना है इसे। तो टर्न करने से पहले फ्रेंड्स आपको इस पर कट्स लगाना है। ध्यान रखें हमारी सिलाई ना कटे। फ्रेंड्स, ये कट्स इसलिए लगाते हैं ताकि आपकी पट्टी आसानी से टर्न हो जाए। अब इसे मैं राइट साइड पे टर्न कर लूँगी। देखिए, इसे टर्न करके आपको यहाँ पर सिलाई मार लेना है, इसे टर्न करके या कॉर्नर में इसे सिलाई मार लेना है। दोनों इसमें हमें ऐसे ही कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे राइट साइड पे टर्न करके सिलाई मार ली है, ये ऐसे दिखेगा। अभी फ्रेंड्स, हमें आर्म होल के लिए भी क्रॉस पट्टी काटना है। उससे पहले हम यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। 1/2 इंच पे हम दोनों साइड से सिलाई मारेंगे। देखिए, यहाँ से हमें सिलाई मारना है, यहाँ से 1/2 इंच पे मार्जिन लेके हम यहाँ से सिलाई मार लेंगे। अब इसको ऐसे ओपन करना है, जो सिलाई वाला हिस्सा है हमें ऐसा इधर रखना है फ्रेंड्स, और अभी हमें इसके लिए क्रॉस पट्टी काटना है। तो इसके लिए हमने क्रॉस पट्टी काट ली है,
और ये 20 इंच लंबाई में है फ्रेंड्स और 1.5 इंच चौड़ाई में है। ऐसे हमने दो पट्टी काट ली है, 20 इंच लंबाई और 1.5 इंच चौड़ाई। अभी इसे हम फ्रेंड्स इस पे लगाएंगे, दोनों पट्टियों को हम आर्म होल पे लगा लेंगे। तो उसके लिए आपको इस जबले को ऐसा रखना है, इसमें हम पट्टी को फोल्ड करेंगे, इसका सेंटर बनाएंगे फ्रेंड्स। सेंटर पे इसे मार्क करें, एक पट्टी को हमने ऐसा फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से हम सेंटर के लिए मार्क करेंगे, ऐसे हमें मार्क करना। और अभी यहाँ पे हमें रखना है और ऐसे हमें सिलाई मार लेना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें ऐसे सिलाई में दूसरी पट्टी को भी हम फ्रेंड्स सेंटर फोल्ड कर लेंगे, सेंटर बनाएंगे चौक के निशान से और फिर मैंने उस पर भी सिलाई मार ली। देखिए फ्रेंड्स, हमने सिलाई मार ली है। अब इस पर हम कट्स मारेंगे, ध्यान रहे हमारी सिलाई ना कटे। ऐसे दोनों साइड में हमें कट्स लगा लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे अभी यहाँ से हमें फोल्ड करना है। तो उसके लिए पहले मैं एक सिंगल फोल्ड करूँगी फ्रेंड्स, उसके बाद वहाँ से भी एक बार और फोल्ड करना है, उसके ऊपर और फोल्ड करके ऐसे सिलाई मार लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हमें दोनों साइड में कर लेना है। पहले हमें एक फोल्ड करना है, यहाँ से भी एक फोल्ड करना है, फिर उसके ऊपर हमें एक और फोल्ड कर लेना है, कॉर्नर से सिलाई मार लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ये सिलाई मारने के बाद ऐसे दिखेगा। यहाँ से हमें बेबी को पिनाने के बाद यहाँ पे हमें इसे नॉट बना लेना है, काट लेना है। अभी फ्रेंड्स हम इसके लिए लटकन बनाएंगे। तो उसके लिए हमने 8 पीसेस कट कर लिए, 3-3 इंच की लंबाई में भी ये 3 इंच है और चौड़ाई में भी 3 इंच है फ्रेंड्स। तो ऐसे मैंने 4 एक साइड के लिए और 4 दूसरे साइड के लिए, ऐसे हमने 8 पट्टियाँ काट लिए। अभी इसे हम ट्रायंगल की शेप में से फोल्ड करेंगे, ऐसे डोरी लेंगे फ्रेंड्स, ऐसे पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ पे हमें दूसरा भी रख लेना। पहले हमें इस पर सिलाई मार लेना है, फिर दूसरा वाला भी ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे, उसके ऊपर ऐसा रखेंगे और पूरा हमें यहाँ से ऐसे सिलाई मार के उसके बाद उसे पलट लेना। ऐसे हम सब चारों डोरियों में ऐसे ही लटकन लगा लेंगे फ्रेंड्स। ये एक साइड के लिए फ्रेंड्स और ये दूसरे साइड के लिए भी हमने कट कर लिया है 4 पीस। देखिए फ्रेंड्स, हमने सिलाई मार ली है, अब इसे हम पलट के बताते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, पलटने के बाद ये ऐसे दिखेगा और जो एक्स्ट्रा है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। आसानी से टर्न हो जाता है फ्रेंड्स और ये जो एक्स्ट्रा जो निकला हुआ है उसे हमें कट कर लेना है। ये जो फ्रेंड्स एक्स्ट्रा, ऐसे हमें कट कर लेना है। तो आपका ये फिनिशिंग से आपका लटकन दिखेगा। फिर यहाँ पे हमें स्ट्रेट पट्टी लगाना है, तो उसके लिए मैं इसको रॉन्ग साइड में टर्न कर लूँगी जबले को। फ्रेंड्स, हमने पट्टी स्ट्रेट पट्टी काट ली है, 1.5 इंच की है। अब इसे जॉइंट करके हम इसे लंबी बना लेंगे। तो हमने देखिए फ्रेंड्स, सिलाई मार के से ज्वाइन कर लिया है। एक आगे के लिए लगाना है फ्रेंड्स और एक पीछे के लिए। तो फ्रेंड्स, हमको हमें ये जो यहाँ पे पट्टी लगाना है, उससे पहले हमें थोड़ा थोड़ा ये जो फिटिंग किया है हमने, इसे ओपन कर लेना है। थोड़ा थोड़ा फ्रेंड्स, 1 इंच तक आपको ओपन कर लेना है।
एक से आधा इंच तक। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे थोड़ा थोड़ा खोल लिया है। इसके बाद आपको रॉन्ग साइड से पट्टी को ऐसे लगाना है, तो उसके लिए आपको ऐसे रखना है और यहाँ से आपको सिलाई मार लेना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से सिलाई मार लेना है और जो एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग कर लेना है। इसे मैं पीछे की साइड पे भी कर लूँगी। रॉन्ग साइड से फ्रेंड्स पट्टी लगाना है और जो एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग कर लेना है। देखिए हमने सिलाई मार ली है, जो एक्स्ट्रा है इसकी कट कर लिया है, एक्स्ट्रा पट्टी हमने कट कर लिया। इसे हमने पीछे भी लगा लिया है फ्रेंड्स। अभी आपको इसको राइट साइड में टर्न कर लेना है। तो फ्रेंड्स, हमने जबले को भी राइट साइड में टर्न कर लिया है, सीधा कर लिया कपड़े को। अब इसको आपको यहाँ पे ऐसे फोल्ड करके इसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम सिलाई मार लेंगे। ऐसे हम पीछे की तरफ भी कर लेंगे फ्रेंड्स, ऐसे पलट लेंगे और इसके बाद ऐसे सिंगल फोल्ड अंदर की तरफ करेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे और जो फ्रेंड्स ओपन है उस पर भी हम फिटिंग का सिलाई मार लेंगे। जो हमने थोड़ा सा ओपन किया था उससे भी हमने सिलाई, देखिए फ्रेंड्स हमने टर्न कर लिया, जो थोड़ा ओपन किया था उस पर भी हमने सिलाई मार ली। अब मैं आपको इसको सीधा करके बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा बेबी जबला रेडी हो गया है, सादा बेबी जबला। और ये जबला आप 0 से 3 मंथ्स बेबी को पहना सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फ्रेंड्स, आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फ्रेंड्स। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।